यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आइए, आज हम आपको अल्ताफ भाई से एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर देते हैं। जो बच्चे वालदैन के नाफरमान होते हैं, उनके लिए हाई कोर्ट ने क्या आर्डर जारी किया है, चलिए चलते हैं अल्ताफ भाई के पास। बिस्मिल्लाह यूट्यूब चैनल की तरफ से आज हम आपको 27/12/2021 का आज के दिन लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से जारी किए गए बहुत बड़े फैसले के मुतल्लिक बताएंगे। व्यूअर्स, मियां मोहम्मद इकराम हैं, फैसलाबाद के रहायशी हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में केस दायर किया है अपने बेटे अली इकराम के ख़िलाफ़ कि उन्होंने उसके बेटे ने अपने बाप को घर से निकाल दिया है। तो व्यूअर्स, इस केस की समाअत आज की तारीख यानी 27/12/2021 को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने समाअत की है। सेशन कोर्ट फैसलाबाद और डीसी ऑफिस फैसलाबाद के ऑर्डर्स को भी समाअत किया है। तमाम रिकॉर्ड मुलाहजा करने के बाद मुअज्जज़ लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किए हैं कि अली इकराम ने अपने वालिद मियां मोहम्मद इकराम को बिला वजह घर से निकाला है, लिहाजा अली इकराम बेटे को 1 साल कैद और जुर्माने का हुक्म सुनाया गया है। ये हुक्म तहफ्फुज़े वालदैन ऑर्डिनेंस 2021 के तहत जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने अपने मुफसिल फ़ैसले में ये तहरीर फरमाया है कि बच्चा किराए के मकान में रहता हो या घर का मालिक हो, वो किसी हाल में भी अपने वालदैन को घर से नहीं निकाल सकता। अगर निकालेगा तो ये जुर्म है, जबकि वालदैन जब चाहें अपनी औलाद को घर से निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, हमारी इस्लामी तालीमात भी बिल्कुल इसी तरह हैं कि वालदैन का एहतराम सिखाया जाता है, वालदैन की ताज़ीम, उनका एहतराम, उनसे प्यार और उनसे मोहब्बत का हमारा दीन इस्लाम दर्स देता है। वालदैन की खुशनूदी में ही अल्लाह और उसके नबी की खुशनूदी है, वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा होती है। व्यूअर्स, इस फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हम अपने वालदैन से प्यार करें, उनका एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें और हर वक़्त उनसे उनस रखें, किसी भी हाल में उनकी तौहीन ना करें। क्यों? आखरत की कामयाबी वालदैन की खुशनूदी में है, अल्लाह की रज़ा में है, अल्लाह के नबी से इश्क करने में है। अल्लाह ताला हमें अपने वालदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।